हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, उसका सेकेंड सम। हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट सम देख लिया है, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। अगर नहीं देखा है तो आई टैब पर आपको मिल जाएगा, जरूर से वो वीडियो आप लोग देख के कंप्लीट करना। चलो तो अब शुरू करते हैं हमारा ये सम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। क्या दिया हुआ है हमें? दिया हुआ है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स? आपने सुना होगा सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होटल में जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिस दो एंगल का प्लस करने पर आंसर कितना आता हो, 90 डिग्री आता हो, और दो एंगल का प्लस करने पर 180 डिग्री आता हो, वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री। याद रखना, सिंगम मोमेंट याद रखना थोड़ी, ठीक है? ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, इधर कॉम्प्लीमेंट्री इधर सप्लीमेंट्री। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 और सप्लीमेंट्री है तो 180, ठीक है? देखो, लार्जर ऑफ टू एंगल्स मतलब दो एंगल है तो एक बड़ा है और एक छोटा है। तो कंसीडर करते हैं, लेट लार्जर एंगल बी एक्स, मतलब लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और स्मॉलर एंगल बी वाई, और स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अभी देखो, एक कंडीशन दी है, एक हमको लॉजिकली बनानी है। अब ये लॉजिकल क्या होता है? तो भाई हमारा थोड़ा कॉमन सेंस कि यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब वो ऑलरेडी दो एंगल का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज व्हाट, 180 डिग्री। तो पहली कंडीशन तो यही बनेगी कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, मींस सम ऑफ टू एंगल्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ टू एंगल्स हो जाएगा 180 डिग्री, मींस x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस y 180 हो गया, नेम इट एज इक्वेशन 1। उसको क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन बना दो। अभी बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जीड द स्मॉलर एंगल बाय 18। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीड्स? एग्जीड मींस उतना वो ज्यादा है, समझ में आ रहा है? एग्जीड मतलब उतना वो ज्यादा है, उसको बोलते हैं एग्जीड। मींस लार्जर एंगल एग्जीड स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। तो अब हमें इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना है x इज इक्वल टू y प्लस 18, समझ में आ रहा है? आपने ये x लिया, इज इक्वल टू y प्लस 18 हो गया। क्यों? बिकॉज स्मॉलर छोटा था तो उसको बढ़ाना था। कितना बढ़ाना था? 18 डिग्री बढ़ाना था। आया समझ में मेरी बात? कि भाई जो लार्जर एंगल है वो तो बड़ा ही है, उसको मत बढ़ाओ, जो छोटा है उसको बढ़ाओ। नियम है ये, रूल है कि जो छोटा होता है उसको ही बढ़ाना होता है, तो ही आपका कंडीशन सेट होती है। नेम दिस है डायरेक्टली एस टू। अभी देखो, इसी इक्वेशन को मैं यहां डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। तो लिखो यहां पर सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। सेकेंड लिया है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन डालो, ठीक है? अभी देखो यहां पर लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो x कितना है, x है y प्लस 18 इज इक्वल टू y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो देखो y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y प्लस 180। ये प्लस है, साइड चेंज करोगे तो माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर
2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ये प्लस है, साइड चेंज करोगे तो माइनस हो गया। 180 में से 18 माइनस करो तो 2y इज इक्वल टू 162, है ना बच्चों? सो देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 1 2 8 81, तो y हो जाएगा 81। y कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। उसी 81 को आप लोग क्या करोगे? प्लस करोगे। किस पे? यहां पर रख के। सो पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन सेकेंड। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू y प्लस 18। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, राइट? x इज इक्वल टू y प्लस 18, तो 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू 99। तो x कितना आ गया? x आ गया 99। सो देयरफॉर लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड smaller angle is 81 degree so I hope आप लोग को ये पूरा सम अच्छे से समझ में आया है। अगर सम के अंदर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बता सकते हो, और अगर चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, जी ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।